हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं बीएससी सेकंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक है बेसल इक्वेशन, बेसल फंक्शन, उसका एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसको हम लोग लिस्टिक्स इंटीग्रल भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जांपल को, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, सिद्ध करो कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स जे जीरो बी एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 अपान रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है, इतना लेके चलना है ना। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इस फार्मूला किस रूप में दिया हुआ है ये फंक्शन, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये बेसल का क्वेश्चन है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि बेसल फंक्शन क्या होता है। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि बेसल फंक्शन, ये हमारा बेसल फंक्शन होता है, बेसल फंक्शन होता है हमारा जे एन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन सॉरी समेंशन आर बराबर जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर अपान आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस वन इंटू एक्स बाय टू पूरी की पावर एन प्लस टू आर, ठीक है। ये तो ये हमारा क्या होता है, बेसल फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जे एन एक्स इक्वल टू ये गिवन है, तो इसी से ही रिलेटेड हमारा क्या है क्वेश्चन जो दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये ई की पावर माइनस एक्स जे जीरो बी एक्स डी एक्स, तो ये पद हमको पहले पद लेके चल रहे हैं ना, ठीक है। तो हमको इसको इसी रूप में लाना है। तो यहाँ पे क्या है, एन एन की जगह पे यहाँ पे क्या दिया है, जीरो दिया है, और एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या दिया है, बी एक्स दिया है। तो अपन क्या कर लेते हैं, पुट हम लोग कर लेते हैं किसमें, इस बेसल फंक्शन में, एन इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू बी एक्स, ठीक है। तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये इतना मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देन अपन उसमें ए की पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, पुट कर लेते हैं एन बराबर जीरो और एक्स इक्वल टू बी एक्स। तो हमने इस फार्मूला में जहाँ जहाँ एन था, तो ये एन है ना, यहाँ पे एन है और यहाँ पे एन है, तो हमने क्या कर लिया, जीरो 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 और जीरो पुट कर लिया, ठीक है। और एक्स के जहाँ पे क्या कर लिया हमने, बी एक्स कर लिया। यहाँ पे भी देखो एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या कर लिए, बी एक्स कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बोथ, अब ये पद आपको मिल गया, ठीक है। अब देन अपन को क्या लाना है, ई की पावर माइनस एक्स लाना है, ठीक है। फिर क्या कर लेंगे, बोथ से मल्टीप्लाइंग ई की पावर माइनस एक्स। अब देखो हम लोग क्या कर ले, ई की पावर माइनस एक्स जे जीरो बी एक्स, इतना मिल गया। फिर देन क्या बचा आपका, इंटीग्रेशन बचा है ना, जीरो से इन्फिनेटिव। तो ये हमारा ये हो गया है ना, आर इक्वल टू है, यहाँ पे क्या हो गया, जीरो था, तो उसको क्या कर सकते हैं, आर प्लस वन हो गया, बी बाई टू, तो यहाँ पे क्या है, बी एक्स था, तो हम लोग एक्स को अलग कर लिए है ना, तो बी बाई टू पूरे की पावर, क्योंकि बी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाले को अलग कर लेते हैं, तो बी बाई टू पूरे की पावर टू आर है ना, और एक्स है तो उसका भी पावर क्या हो जाएगा, टू आर, एंड आपका क्या है, ई की पावर माइनस एक्स, बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से है ना, यहाँ पे देखो ये और आपका ये दोनों साइड मल्टीप्लाई करें। अब क्या करेंगे, हमारा क्या बचा, इंटीग्रेशन बचा है बोथ साइड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड हम लोग क्या करें, इंटीग्रेशन कर ले, जीरो से इन्फिनिटिव ई की पावर माइनस एक्स ले लिए, तो इधर भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई क्या होता है, जो जहाँ पे हम लोग को फार्मूला के जैसा दिखता है, तो फार्मूला के जैसा अपन को यहाँ पे दिख रहा था, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे समेंशन आर बराबर जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर, यहाँ पे क्या था, आर और आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल कहाँ से है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं गामा आर प्लस वन इक्वल टू क्या होता है, हमारा एक फार्मूला होता है गामा आर प्लस वन इक्वल टू आर फैक्टोरियल, या तो इसको आर फैक्टोरियल कह सकते हैं या तो आर गामा आर प्लस वन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं आर, आर का क्या हो गया, आर यहाँ पे आर फैक्टोरियल स्क्वेयर हो गया, डबल आर से ये हो गया बी बाई टू पूरी पावर टू आर इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर टू आर डी एक्स। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको फार्मूले, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे वन अप आर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग टी के फंक्शन में चेंज कर, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, टी, ठीक है। पक्षांतर कर देंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी बाई ए है ना। फिर इसका क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो एक्स का करेंगे तो ए डी एक्स और आपका ए डी टी, ठीक है। इसका हम लोग अवकलन कर रही है ना, तो ये हो जाएगा डी एक्स, ये आपका इधर आ जाएगा वन बाई ए और आपका डी टी हो जाएगा, ठीक है। फिर यदि हमारा ये जो लिमिट है वो किसका लिमिट है, आपका एक्स का है, जो लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है किसका है, एक्स का लिमिट है ये है ना। अब इसको हम लोग एक्स को हम लोग डी टी के फॉर्म में चेंज करें, उसका लिमिट भी किस में चेंज हो जाएगा, टी के फॉर्म में। एक्स इक्वल टू यदि जीरो था तो एक्स इक्वल टू क्या था, इन्फिनेटिव था, अब टी के फॉर्म में चेंज करेंगे तो इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू इन्फिनेटिव हो जाएगा है ना। ये तो लिमिट चेंज करना सबको आता है। फिर अपन क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग, ठीक
अब देखो यहाँ पे हम लोग ये हो गया जैसे का तैसा एज इट इज़ है इधर आपका, ये हमारा ई की पावर क्या है -3, टी की पावर 2r, ए की पावर 2r इंटू ए डी टी हो गया। अब इसको हम लोग चेंज कर लिए है ना, एक्स के फॉर्म को हम लोग जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ यहाँ पे एक्स था, तो इसके जगह पे हम लोग क्या ले लिए टी वाई ए आ गया आपका है ना, एक्स से इक्वल टू यहाँ पे क्या है टी वाई ए, तो एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है टी वाई ए आ गया, डी एक्स है तो डी एक्स की जगह पे क्या आ गया 1/ADT है ना, तो ये हो गया आपका 1/ADT। अब इसको हम लोग जमा लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी हो गया, ए की पावर यहाँ पे टी बाई ए दोनों की पावर क्या है 2r, तो टी की पावर भी 2r है यहाँ पे, ए की पावर भी 2r है, तो उसको अपन क्या कर ले अलग अलग कर ले रहे हैं क्यों, क्योंकि आपके पास दो ए है ना ये। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ए की पावर -3 कर दिए, टी की पावर 2r है तो उसको मैं लिख सकती हूँ टी की पावर 2r है ना, और यहाँ पे क्या है 1/ ए की पावर 2r इंटू ए है, तो इसको क्या करते हैं बाहर आधार समान होने पर आखात आपस में जुड़ जाते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि ये आपका क्या है कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1/ ए की पावर 2r+1 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये हमारा बच्चा टी की पावर 2r। अब यहाँ पे हम लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करें, हमारा एक फार्मूला होता है, अब सेम हमारा ये ऐसा एक हमारा फार्मूला होता है क्या है कि 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -3 टी की पावर n-1 dt इक्वल टू गामा n, ये हमारा बीटा एंड गामा फंक्शन फर्स्ट पेपर का 4 यूनिट में आप लोग इसको पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये हमारा एक फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो n है, यहाँ पे n-1 है तो n है, लेकिन हम इसी फार्मूले में इसको लाने के लिए क्या करते हैं, इसमें टी की पावर 2r में +1 जोड़ देते हैं और -1 घटा देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता, तो जैसे देखो यहाँ पे क्या था n, हमारे फार्मूले में n है, तो यहाँ पे n-1 है तो n है, यदि मैं यहाँ पे 2r+1 है तो यहाँ पे इतना हमारा क्या हो गया, ये हमारा n के बराबर है, ये n-1 है तो n है, तो जो n रहता है उसी के बराबर यहाँ पे क्या है 2r+1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2r+1, तो ये हमारा फार्मूला क्या कहलाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2r+1, लिमिट सेम है, ये भी सेम है, ये इसके जगह पे n के जगह पे क्या आ जाएगा 2r+1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ा सा पानी गिर गया है ना, गीला हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो समीसन r बराबर 0 to infinity, ये आपका जैसे का तैसा है ना, यहाँ पे क्या है, अब ये ए वाले को हम लोग अलग कर लेते हैं, यहाँ पे b की पावर 2r और 2 की पावर 2r है, तो ये हम लोग इसको b और a, ये हमारा b की पावर 2r और 2 की पावर 2r सेम है, तो उसको हम लोग कोष्ठक में कर लेते हैं, r को बाहर ले लेते हैं, ये 1/ a आपका इधर आ गया इंटू 2r factorial। ठीक है, इसको फिर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि 2r+1 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2r factorial, क्यों, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में देखो एक फार्मूला पढ़ा है, यहाँ पे हमने γ r+1 = r factorial, तो r की जगह पे 2r है, तो यहाँ पे भी 2r हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका है ना, ये हो गया आपका 1/2r हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसमें क्या करते हैं, समीकरण जो दिया हुआ r बराबर 0 to infinity, उसमें हम लोग क्या करते हैं 0 पुट करते हैं, पहले बार यदि आप 0 करोगे तो ये पूरा r आ रहा है, जहाँ पे r है वो पूरा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2 की पावर r है तो यहाँ पे किसी की पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो पहले बार में ये 1 हो गया, 1/a को अपन क्या करें कॉन्स्टेंट निकाले, इसमें हम लोग पुट करते हैं। सेकंड में क्या करेंगे, अब r की पावर 0 रखने पर सेकंड क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा है ना, तो ये -1 तो यहाँ आ गया। फिर यहाँ पे क्या है r इक्वल टू यहाँ पे 0 रखने से 1 आ गया है ना, 1 रखने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2 की पावर 2 हो जाएगा, r 1 रखेंगे तो है ना, यहाँ पे r इक्वल टू 1 हो गया, फिर ये तो कॉन्स्टेंट बाहर निकल चुका है 2 into r है, तो r मतलब यहाँ पे भी 1 हो गया है ना, तो ये हो गया, और कंटिन्यू r इक्वल टू 1, 2, 3 ऐसे रखते जाएंगे, लेकिन अपन को इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना, तो हम लोग दो ही पद रखते, तो हम लोग 0 रखने से 1 आ गया और 1 रखने से ये पद आ गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, जमा के लिख देते हैं, यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है, मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा है ना, 4 से 2 factorial, यहाँ पे तो 2 का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं से हम लोग अपन यहीं से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, यहाँ पे b² a² अब इसको मैं लिख सकती हूँ, हम लोग जानते हैं हमारा एक फार्मूला होता है ये 1 - x² / 1/2, इसको मैं लिख सकती हूँ ये है ना 1/a 1 + b² / a², यदि मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस का यहाँ पे है ना, ये आज इसी रूप में आ जाएगा, इसको यदि मैं अंदर करूँगी तो ये इसी रूप में आ जाएगा यहाँ पे, मतलब हमारा एक फार्मूला होता है बाइनोमियल में 1 - x² / n का है ना, तो 1 + n x करके जो फार्मूला होते हैं वही फार्मूला है। उसके बाद इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो वन बाई ए हो जाएगा आपका, है ना, उसको जो वन बाई ए जैसे का तैसा ले दी, इसका मैं तेरह गुणा कर देती था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो आपका ये हो जाएगा, है ना। फिर आपका ये वन अपान ए ए स्क्वायर, इसको हम लोग पलट देते हैं ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो वन बाई ए ए, अब इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस वन बाई टू है, तो इसको हम लोग रूट में चेंज हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया वन अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, है ना। हम ये और लेके क्या चले थे, देखिए यहाँ पे एक बार, है ना, हम लोग आपको ये लेके चले थे, है ना, इतना लेके हम लोग बना रहे थे, और ये आपको प्रूफ हो गया। इसको बोलते हैं स्टिक इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारा बेसल फंक्शन का एक एग्जांपल था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा ज़्यादातर इसको पूछा ही जाता है, ठीक है। थैंक यू।